उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में रैन बसेरा और शेल्टर होम संचालित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ठंड के मौसम में सर्द रातों में कोई खुले में न सोए, इसको लेकर नगर विकास विभाग की ओर से रैन बसेरा शेल्टर संचालित होंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने मिशन मोड पर रैन बसेरा और शेल्टर बनाने के लिए नगर आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, श्रमिकों के कार्यस्थलों और बाजारों के समीप रैन बसेरे बनाए जाएंगे। रैन बसेरों को अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। व्यापार संगठन, औद्योगिक संघ जैसे संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा कंबल, पानी, प्रकाश व्यवस्था के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को निकायों में निराश्रित और दुर्बल वर्ग के आश्रयहीन व्यक्तियों को ठहरने, रुकने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में रैन बसेरों, शेल्टर होम्स के संचालन के विषय में कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। आवश्यकता अनुसार नए अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण भी किया जा सकता है। इसके लिए राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विकास प्राधिकरण आदि द्वारा भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। रैन बसेरा शेल्टर होम में ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों जिनके पास ठहरने की सुविधा नहीं है तथा विशेष रूप से जो चिकित्सा और रोजगार आदि के लिए बाहर से आए हैं, रहने की सुविधा दी जाएगी, जिसे उन्हें खुले में या सड़क पर या फिर पटरियों पर सोना न पड़े। रैन बसेरा शेल्टर होम में महिलाओं और पुरुषों के सोने और शौचालय आदि की व्यवस्था अलग अलग की जाएगी।